फिर काटते हैं हम बड़े बड़े पीस। ऐसे बड़े बड़े काट देंगे। नमक डाल देंगे अब। गरम मसाला डाल देंगे इसमें, हल्दी डाल देंगे, डालेंगे थोड़ी सी और डालेंगे इसमें अब एक गरम मसाला, जीरा गरम मसाला, ये भी हमने डाल दिया। बाकी अब पनीर के पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे, ज्यादा ब्रेक छोटे नहीं करने, उन्हें बड़े बड़े रखने। आधा मैंने चिकन के लिए रख दिया, आधा मैंने ये वेज इसके लिए, तो इसमें मैं इसको सारा ऐड कर दूंगा अच्छे तरीके से, फिर इसको कुछ टाइम के लिए रख दूंगा ताकि इसके मसाले जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसे हम ढक के रख देंगे अब आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए ये सारा सही होगा, क्योंकि ये बॉल छोटा होगा तो इसलिए मैं इस बड़े बॉल में चिकन को डाल रहा हूँ, ये स्पेशल चिकन के लिए। चिकन लेके आया था मैं हाफ के जी, तो इसके पीसेस भी अच्छे अच्छे हैं, तो ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। चिकन भी हमारा प्रॉपर जो है मिक्स हो गया इसके अंदर, तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगा घंटे एक घंटे के लिए, तब तक जलाऊंगा मैं आग। हम भी जलाएंगे आग, आग जो है वो होगी रेडी, तो मैं सीके लगाऊंगा
रखूंगा इसके ऊपर तंदूरी चिकन बनाने के लिए। तो भाई अभी हम ये सीखे लगाएंगे। अब तो सबसे पहले लगाएंगे हम इसमें शिमला मिर्च, इसको कुछ इस तरह से लगाऊंगा, फिर एक शिमला मिर्च पनीर का पीस, एक प्याज, एक हरी लाल हरी, एक फिर से के लगा के इसमें एक छोटा सा पीस लगा के, और आगे इसके लिए हम एक प्याज वो लगा देंगे। ये होगी जी हमारी एक सीख रेडी। ऐसे ही मैंने सारी की सारी रेडी करनी है अगली। सबको आग पे रखेंगे इस तरह, तीन तीन करके, तीन तीन करके रखूंगा इन्हें। फिर ऑयल भी साथ साथ लगाता रहूंगा। साथ तेल लगाते रहूंगा।
ये बढ़िया तरीके से हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाता रहूँगा। चारों साइड से तो धीरे धीरे हो भी रहे हैं। तो मेरी तीन जो है सीखे बन के रेडी होगी। देखो कितना बढ़िया कलर आया इसमें। तो अभी खा के टेस्ट करके बताते हैं किस तरह का है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं बने हुए, तो अब देखते हैं टेस्ट। तो अभी हम इसकी तीन सीखे लगाएंगे, अभी बाकी धीरे धीरे करके लगाएंगे इनको। तो ये बन गया मेरा चिकन सीख चिकन। कितना बढ़िया कलर, तो इस तरह से आप भी घर में बना सकते हैं।